अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, ये पहाड़ी है सामने जो आपको फटी हुई जो पहाड़ी नज़र आ रही है, जिस पर स्लेब भी लगाया हुआ है। उस पहाड़ी के ऊपर जो है, ऊपर की साइड में अल्लाह के नबी हुआ करते थे। फिर वहाँ से जब अल्लाह के नबी को जब पत्थर लगा और आप सरसम गिरे पहाड़ी के अंदर की साइड आप गिरे और आपके दो दांत शहीद हो गए। आपने जो जंगी टोपी पहनी हुई थी उसकी दो कड़ियाँ आपके रुखसार में घुसी थी और आपके दो दांत शहीद हो गए थे। आपका चेहरा लहूलुहान हो गया था, आप जो बेहोश हो गए थे। वो इस जगह पर वो मामला पेश आया था। उसके बाद अल्लाह के नबी उतरे और उतरने के बाद यहाँ पर गए थे। यहाँ पीछे गार हुआ करती थी जिसमें अल्लाह के नबी ने कुछ देर पनाह ली थी, कुछ दिन यहाँ पर क़याम किया था। यहाँ पीछे वो गार थी जिसको अभी गवर्नमेंट ने उसको पाट कर बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़ायरीन जो है बहुत ज़्यादा आने लग गए थे और रातों को इसमें बैठने के लिए लाइन लगने लगी थी बहुत लंबी। और यहाँ के जो उलमा है मना करते थे कि भाई ये जहाँ अल्लाह के नबी बैठे हों उस जगह पर हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात कि हम बैठ जाएँ। तो इसलिए फिर यहाँ की गवर्नमेंट जो है मना करने लगी, लेकिन लोग नहीं मानते थे, लंबी लंबी लाइनें लगाते थे रातों रात, पूरी रात यहाँ गाड़ियों का आना जाना लगे रहता था। तो जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने उस जगह को, उस गार को पूरा पाट करके बंद कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने पहले वहाँ पर उस गार में, अल्लाह के नबी ने पहले वहाँ पर पनाह ली, क़याम किया, थोड़ी देर बैठे आराम किया। थोड़ा आराम करने के बाद फिर अल्लाह के नबी यहाँ पर आए, इस तरफ अल्लाह के नबी यहाँ पर आए। ये चबूतरा है जिस पर अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम के साथ में, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर के साथ में जो है इस चबूतरे पर अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी, जो उसी वक्त से जो है इस चबूतरे को थोड़ा सा घेर दिया गया है और बाद के आने वाले लोगों ने भी इसको थोड़ा सा घेर दिया एक निशानी के तौर पर कि यहाँ पर पहले ये खुला होता था, हम लोग जाते थे नमाज़ें पढ़ा करते थे। लेकिन वही वजह कि पूरी रात जो है लोगों का आने जाने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है, बस्ती वालों को, तो इस वजह से जो है इसको अभी बंद कर दिया गया इस चीज़ को बाकी रखने के लिए। तो ये आपके सामने जो नज़र आ रही है ये पहाड़ी, ये जबले उहद है जिसको आप देख रहे हैं। ये आपके सामने जो पहाड़ ये नज़र आ रहा है ये पूरा जबले उहद है। ये उहद की पहाड़ी ये 7 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 7 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उहद जबल मिन जबाल जन्ना, कि उहद जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उहद युहिब्बुना व नहनु नुहिब्बुहू, कि उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। इस पहाड़ी से अल्लाह के नबी को बड़ी मोहब्बत थी और ये पहाड़ भी अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत किया करता था। तो ये जन्नती पहाड़ है। एक रिवायत में आता है कि जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो ये पहाड़ जन्नत के दरवाज़ों पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। ठीक है, तो इसी पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर जंग वाक़ हुई। अल्लाह के नबी इसी पहाड़ी के ऊपर थे। सामने आपको जो फटी हुई पहाड़ी नज़र आ रही है उस जगह पर अल्लाह के नबी हुआ करते थे। तो ये सारा वाक़ यहाँ पर पेश आया। उसके अलावा बहुत से लोग जो रिवायतें बयान करते हैं कि ये पहाड़ अल्लाह के नबी के साथ चल करके मदीना मुनव्वरा तक गया था, फिर अल्लाह के नबी ने वापस इसको भेज दिया। ये सारी मनगढ़ंत रिवायतें हैं, मौजू रिवायतें हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी यहाँ पर थे और ये पहाड़ हिला था। तो अल्लाह के नबी ने पहाड़ी पर पैर मार कर कहा था कि वह तो क्यों हिलता है, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और एक शहीद है। ठीक है, ये रिवायत मिलती है, लेकिन ये रिवायत कहीं नहीं मिलती कि ये पहाड़ चला था और चल कर 7 किलोमीटर लंबा पहाड़, 3 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ चल करके मदीने तक गया। 3-3.5 किलोमीटर जो यहाँ से बनता है हरम का एरिया, इतनी दूर चल करके गया और वापस आ करके खड़ा हो गया। ये सारी झूठी रिवायतें हैं, ये गैर मोतबर रिवायतें हैं, इनका कोई एतबार न किया जाए। ठीक है, ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, ये जो भी हमने आपको चबूतरा जो दिखाया, इसको मस्जिद उहद के नाम से जाना जाता है। ये चूँकि उहद पहाड़ी के दामन में है, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी थी, इसलिए इसको मस्जिद उहद के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले जो शुहदा पर आपको मस्जिद जो दिखाई गई, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयदुश्शुहदा, जो हज़रत हमज़ा के नाम से बनाई गई है। हज़रत हमज़ा जो कि उनको लक़ब दिया गया सैयदुश्शुहदा का, तो उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयदुश्शुहदा। ठीक है, और ये मस्जिद का नाम है मस्जिद उहद। जी देखिए, ये जो है ये गार है, ये जो जिसको पाट कर बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसी गार के अंदर, चूँकि यहाँ पर रातों रात पूरी लाइनें लगने लगी थी और लोग बहुत यहाँ आकर के बैठा करते थे, तो बस्ती वालों को तकलीफ़ होती थी, प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये सन्नाटे की जगह है, यहाँ पर आवाज़ बहुत आती थी सन्नाटे की वजह से। तो इसलिए जो है हुकूमत ने इस गार को बंद कर दिया पाट करके, बाहर से पाटियाँ लगा कर। और कुछ लोगों ने इसको खोलने की भी कोशिश की है, लेकिन जब जब भी लोग इसकी जालियाँ तोड़ते हैं हुकूमत आकर के नई जाली लगा देती है। ठीक है, तो ये गार है। इन जगहों की अजमत हमें चाहिए कि हम बाकी रखें,
इन जगहों का हम मिसयूज़ ना करें। यहाँ लोग नाम लिखते हैं, ये लिखते हैं, नाम लिखने से मेरे भाइयों मगफिरत नहीं हो जाने वाली। बस इन जगहों को बरकत के तौर पर देखें कि ये वो पहाड़ी है जिसने मेरे आका के दीदार किए हुए हैं, ये वो पहाड़ी है जो अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी। आज हर बंदा ये कह रहा होता है कि मुझे, मैं आशिक रसूल हूँ, मुझे आका से बहुत प्यार है, मुझे सरकार से बड़ा बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये वो पहाड़ी है जिसके बारे में सरकार ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे इससे मोहब्बत है, जिसके बारे में सरकार ख़ुद फरमा दें कि मुझे इससे मोहब्बत है, तो उसकी फिर क्या शान होगी। तो हम इन जगहों पर जब भी आएँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर देखने वाले को जो है इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम को, उम्मत मुस्लिमा को बार बार यहाँ आने की तौफीक अता फरमाएँ, और अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में एक मरतबा तो ज़रूर इन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत अल्लाह ताला नसीब फरमाएँ, और इन जगहों से इश्क मोहब्बत लेने की तौफीक अता फरमाएँ, और अल्लाह ताला हमें बार बार यहाँ आने की तौफीक अता फरमाएँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।